नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 आजकल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। गदर 2 लगातार कमाई करती जा रही है और यही वजह है कि फिल्म प्रोड्यूसर सनी देओल के नाम पर लगातार मूवी अनाउंस करते जा रहे हैं। गदर 2 की सक्सेस के कारण ही सनी देओल के नाम पर एक के बाद एक मूवी अनाउंस हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सनी देओल की आने वाली 15 बड़ी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहली फिल्म है बाप। विवेक चौहान के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सनी देओल के अलावा 80s के दिग्गज सुपरस्टार जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। यह एक फुल एक्शन थ्रिल मूवी होगी। इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है और फिल्म 2023 के लास्ट तक या 2024 फर्स्ट में ही थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। सनी देओल की दूसरी बड़ी अपकमिंग मूवी है लाहौर 1947, जिसको डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी, जिनके साथ सनी देओल पहले ही घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। यह फिल्म पार्टीशन के समय लाहौर की स्थिति को बयान करेगी। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू होगी और हो सकता है 2024 एंड तक यह फिल्म दर्शकों को देखने को मिल जाए। सनी देओल की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी है अपने 2। इस फिल्म को भी अनिल शर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने गदर और गदर 2 को डायरेक्ट किया है। फिल्म अपने 2 में देओल परिवार की 3 जनरेशन एक साथ पर्दे पर दिखाई देंगी। बता दें कि इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और सनी देओल के बेटे करण सिंह देओल दिखाई देंगे। इस फिल्म में करण सिंह देओल एक बॉक्सर के रूप में दिखाई देंगे। यह एक फुल स्पोर्ट्स फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। यह फिल्म 2024-25 तक थिएटर्स में दस्तक देगी। लिस्ट में अगली फिल्म है सूर्या। सनी देओल की इस अपकमिंग फिल्म को डायरेक्ट करेंगे एम पद्मा कुमार। फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन, तनुश्री चक्रवर्ती शामिल होंगे। यह एक एक्शन क्राइम थ्रिलर है जो साउथ की फिल्म जोसेफ का हिंदी रीमेक है, जो 2024 में व्यूवर्स को थिएटर्स में देखने को मिल सकेगी। सनी देओल की अगली बड़ी फिल्म अनाउंस हुई है माँ तुझे सलाम 2। इस फिल्म को टीनू शर्मा या अनिल शर्मा डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल के अपोजिट तब्बू को कास्ट किया गया है। यह एक एक्शन पीडियोटिक फिल्म होने वाली है जो 25 जनवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में अगली फिल्म है जन्मभूमि। फिल्म की लीड कास्ट के लिए सनी देओल और संजय दत्त को कास्ट किया गया है। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म होगी जिसमें सनी देओल और संजय दत्त आमने सामने एक वकील के रूप में लड़ते दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग 2023 में ही शुरू होनी है और 2024 में ही आपको थिएटर्स को देखने को मिलेगी। सनी देओल की अगली बड़ी मूवी का नाम है द ब्लाइंड केस। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो सनी देओल के साथ इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया है। बता दें कि इस फिल्म में सनी देओल एक ब्लाइंड आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर का रोल निभाएंगे तथा नवाज एक दमदार विलन के रूप में नजर आएंगे। यह एक्शन फिल्म 2024-25 में आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकेगी। सनी देओल की अगली बड़ी मूवी का नाम है बॉर्डर 2। दोस्तों, गदर 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद जेपी दत्ता ने बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट कर दी है और अनाउंसमेंट के बाद ही दर्शकों में इस फिल्म के लिए क्रेज देखा जा सकता है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ को भी कास्ट किया गया है। आर्मी बेस्ड यह एक्शन फिल्म 2025 तक थिएटर्स में रिलीज होगी। और जानकारी के लिए बता दें कि मेकर्स ने बॉर्डर 3 और बॉर्डर 4 की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। सनी पाजी की नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है गदर 3। हाल ही में रिलीज गदर 2 की बड़ी सक्सेस के बाद अनिल शर्मा ने हिंट दे दिए हैं कि गदर 3 भी जरूर आएगी और इसमें सनी देओल के साथ साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। और इस बार तारा सिंह फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए पाकिस्तान से लड़ते हुए दिखाई देंगे। सनी देओल की अगली बड़ी अपकमिंग मूवी का नाम है सन ऑफ सरदार 2। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अश्विनी धीर। फिल्म में सनी देओल के साथ मेन लीड में अजय देवगन होंगे। बता दें कि 2013 में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार में अजय देवगन के साथ संजय दत्त नजर आए थे। जानकारी के लिए बता दें कि 2026 तक यह फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। इन सब फिल्मों के अलावा भी सनी देओल के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है, जिसमें आर बाल्की की एक अनटाइटल्ड फिल्म, घायल 3, घातक अगेन, इंडियन 2, फतेह सिंह इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, इन सब फिल्मों पर काम जारी है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो 2026 तक ये सभी फिल्में भी थिएटर्स पर रिलीज हो पाएंगी। अब देखना ये होगा कि सनी देओल गदर 2 की सक्सेस के बाद अपना स्टारडम कायम रख पाते हैं या नहीं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इन सब फिल्मों में से आपको किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है,
कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।